सो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो लेके, और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो कैसे पैसे कमाएंगे, ये सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत सारी नॉलेज की आप कैसे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। गाइज, ऑनलाइन में पैसा कमाना बहुत ही ज्यादा इजी है, डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या करना चाहते हैं। द लॉट ऑफ वे डिपेंड ऑन यू, हाउ कैन यू अर्न ऑनलाइन मनी। ओके, सो आप सोच रहे हो कितने सारे वे है पैसे कमाने के, कैसे आप 1 लाख से 2 लाख पर मंथ कमा सकते हो। ओके, सो आज अपन पूरा एकदम अच्छे से डिटेल से बात करेंगे कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। गाइज, ये इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो to know how can you earn online। Guys, आपको बहुत सारी साइट्स मिलती होंगी, बहुत सारी चीजें मिलती होंगी और बहुत सारी चीजें पता होंगी, और आपको, मुझे पता है कि आपको टन्स ऑफ नॉलेज होगा हर चीज के बारे में, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो देयर इज द फर्स्ट मिस्टेक यू आर डूइंग नाउ। ओके, सो फर्स्ट मिस्टेक यू आर डूइंग नाउ कि आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अप्लाई नहीं कर रहे हो तो ये तो हो गया, लेकिन गाइज, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं आपको पैसे कमाने के लिए, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। गाइज, आज मैं कोई 6 टिप्स 7 टिप्स या 3 टिप्स या 5 टिप्स या 12 टिप्स या 100 टिप्स नहीं देने वाला हूँ। मैं आपसे एकदम जर्नल में बात करूंगा ताकि आपके माइंड में ये बात घुस सके। अगर आप पैसे नहीं बना रहे हो ऑनलाइन में तो आप क्या कर रहे हो, आज मैं आपको पूरा, मतलब पूरी जो मेरी एनर्जी है वो मैं आपके अंदर डालने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप क्या कर रहे हो। मैन, यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी ऑनलाइन, डिपेंड ऑन यू। तो गाइस, सबसे पहला जो सबसे यूनिक जो लोग आते हैं ऑनलाइन में, तो वो क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं। तो सबसे पहले लोग एमएलएम आते हैं तो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो ओवरनाइट कैसे रिच बन जाए, क्योंकि उन्हें मिल गई है खजाने की चाबी। सो ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ा मिथ आज आप भूल जाओ कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। हर बंदे को, मैंने एक लाइन पढ़ी थी जो थी मैसी की, मैसी फुटबॉलर, तो वो उन्होंने कहा कि उन्हें 17 साल लग गए इस ओवरनाइट सक्सेस के लिए। मतलब 17 साल का कड़ा अभ्यास उन्हें इतना बड़ा फुटबॉलर बनाया, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि यही है ओवरनाइट सक्सेस। हाँ, तो गाइस, मैं ये नहीं बोलने वाला कि आपको 17 साल 10 साल 5 साल या 50 साल लगेगा यहाँ, नहीं, लेकिन आप इतना भी जल्दी बहुत ह्यूज लेवल पे नहीं पहुंचोगे, ठीक है। कम से कम 3 महीने, ओके, 3 महीने लेके आओ, यू कैन बिल्ड एनी बिजनेस ऑनलाइन। ठीक है, तो आज मैं बहुत ही सिंपल और नॉर्मल वे में आपको बताने वाला हूँ आप कैसे कैसे ऑनलाइन में पैसे कमा सकते हो, ठीक है। हाउ कैन यू अर्न 2 लैक्स 3 लैक्स 5 लैक्स इवन 10 लैक्स पर मंथ फ्रॉम ऑनलाइन। गाइज, लॉट ऑफ पीपल इज अर्निंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द ऑनलाइन, इट इज ट्रूथ, 100% ट्रू। बहुत सारे लोग बहुत सारा बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट कमा रहे हैं, लेकिन गाइज मैं बता दूं, उनके पीछे बहुत बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है और उसके बाद वो इतना पैसा जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग हियर टू यू दैट यू वांट यू नीड सो मच एक्सपीरियंस, आई एम नॉट सेइंग, ओके, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन माय वीडियो, आई विल गिव यू वे टू अर्न मनी ऑनलाइन। ओके, सो फर्स्ट थिंग, यू हैव सोशल मीडिया, ओके, एवरीवन हैव सोशल मीडिया, सब फेसबुक चला रहे हैं, सब इंस्टाग्राम चला रहे हैं, सब स्नैपचैट चला रहे हैं, सब टेलीग्राम चला रहे हैं, सब व्हाट्सएप चला रहे हैं, सो व्हाई आर यू नॉट मेकिंग मनी फ्रॉम दीज टाइप ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज यू डोंट हैव नॉलेज, हाउ कैन यू मेक मनी फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सोशल मीडिया। गाइज, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कनेक्टेड हैं मेरे फेसबुक पे और मेरे इंस्टाग्राम पे, जिनके फॉलोअर्स मैं बता रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, आई थिंक 10K, ठीक है, 10,000 5,000 इतने हैं, दे आर मेकिंग 300 3,000 3 लैक्स पर मंथ, आई एम सेइंग पर मंथ, 5,000 फॉलोअर्स, $3,000 per month they are making,
तो गैस वो एक इंस्टाग्राम हैंडल से इतने पैसे अर्न करे। गैस ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप जाके पूछ सकते हो कि वो कितने पैसे अर्निंग कर रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो इंस्टाग्राम पे अर्निंग करना स्टार्ट कर दो, आप ये कर दो वो कर दो, ये कर दो, ये उखाड़ लोगे वो उखाड़ लोगे इस वीडियो के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आई एम ट्राई टू से यू ट्रूथ ट्रूथ एंड ट्रूथ। मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको बताने का कि ट्रूथ क्या है और आप कैसे ट्रू क्या है, क्या चीज़ें राइट है और आप कैसे उससे मनी बना सकते हो। आई एम ट्राइंग टू से यू, ओके। सो क्या चीज़ ट्रूथ है, कैसे आप पैसे बना सकते हो, वो चीज़ मैं आज बात कर रहा हूँ। तो पहली जो मैंने बात की वो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप इतने पैसे बना सकते हो जितने आप किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं बना सकते ऑनलाइन, एंड आई एम चैलेंजिंग यू। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि ऐसा नहीं है, ओके। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं खुद सुधार करूंगा, ठीक है। एवरीथिंग स्टार्ट हियर फ्रॉम सोशल मीडिया। डिजिटल मार्केटिंग आज से 10 साल पहले इतना ज़्यादा नहीं थी। क्यों फैली? सोशल मीडिया की वजह से। तो जनरेट कहाँ से होता है? हर कुछ सोशल मीडिया से। स्रोत क्या है? सोशल मीडिया, ओके। तो एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द सोशल मीडिया। सो यू नीड टू नो हाउ कैन यू अर्न मनी फ्रॉम द सोशल मीडिया, ओके। सो फर्स्ट यू नीड टू नो। सो गाइस, सोशल मीडिया पे आप बना सकते हो पेजेस, आप सोशल मीडिया पे बना सकते हो अपना एक पहचान, आप सोशल मीडिया पे बना सकते हो अपने ग्रुप्स, आप सोशल मीडिया पे बना सकते हो अपना ब्रांड, ठीक है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, कैसे होता है, ये सब चीज़ हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले। अगर लोगों का इंटरेस्ट मेरे को नज़र में आएगा तो मैं इस पर एक एक करके वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये मिड नाइट 2 AM, ठीक है, 2 AM में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। 2 AM आई एम शूटिंग दिस वीडियो एट मिडनाइट 2 AM, नाइट इट्स 2 AM, ओके। क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है कि हाउ कैन दे मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। वो बहुत सारी साइट्स के पीछे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। सबसे पहले बड़ी बात ये है कि बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत दूसरे काम में उलझा हुआ था, ठीक है, यू नो, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग मैं अभी उसमें मास्टरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, तो उसमें अभी मैं लगा हुआ था। लेकिन तो मुझे दिमाग में ये मतलब एक मैसेज आया कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो इस चीज़ के बारे में आज बात करनी चाहिए। और इस चीज़ के बारे में मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखना था, ठीक है, मुझे जनरल वे में बात करना था आप लोगों से कि आप लोगों को इस सब चीज़ें समझ में आए, ठीक है, कि हर चीज़ें कहाँ से जनरेट हो रही हैं। क्योंकि गाइस जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसे ही यार मैंने बहुत सारे पैसे लॉस किए थे और बहुत सारा प्रॉब्लम उठाया था, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करें कहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है सोशल मीडिया से स्टार्ट होता है, आप वहाँ से इतने पैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। अब जो मैंने बोला कि $3,000 और 3 lakh rupees पर मंथ लोग सिर्फ सोशल मीडिया से अर्न कर रहे हैं जबकि उनके फॉलोअर्स 5K और 10K मतलब 5,000 और 10,000 हैं, तो कैसे अर्न कर रहे हैं? तो गाइस ये होता है इंगेजमेंट से होता है, ये होता है इंप्रेशन से होता है, ठीक है, कि आप अपने ऑडियंस के साथ कितना इंगेज हो, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इंगेज कर सकते हो ऑडियंस के साथ, ओके। और अगर आपने मुझे नहीं फॉलो किया इंस्टाग्राम में, सो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि जल्द ही मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ कि आप कैसे इससे अर्निंग कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी मैं लाइव आऊंगा और बहुत सारी चीजें वहां पर मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट चीज। अब सेकेंड चीज क्या है गाइस? सेकेंड चीज है सेलिंग। गाइस अगर इफ यू आर मास्टर इन सेलिंग, सो यू कैन डू एनीथिंग एट ऑनलाइन, यू विल बी मिलियनेयर इफ यू नो हाउ कैन यू सेल अ प्रोडक्ट टू समवन। कैसे आप किसी को आप कैसे सेल कर सकते हो एक प्रोडक्ट, अगर आप ये जानते हो सो आप मिलियनेयर बिलियनेयर बन सकते हो ऑनलाइन में। दिस इज 100% ट्रूथ। इवन ऑनलाइन ही आप ऑफलाइन में भी बादशाह बन सकते हो, लेकिन थोड़ा ऑनलाइन की कंडीशंस और जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है, तो मैं ऑनलाइन की ही बात करूंगा। तो ऑनलाइन में अगर आप ये जान गए तो आप हो, ठीक है, तो आप हो। जैसे मैं अभी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो अभी मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ कि
हाउ कैन यू सेल प्रोडक्ट, ठीक है समझ। तो ये चीज़ पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो अभी मैं देख रहा हूँ कैसे कैसे लोग सोचते हैं, क्या माइंड सेट होता है उनका, ठीक है, क्या टारगेट ऑडियंस होती है। टारगेट ऑडियंस के बारे में मैं पहले से जानता हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में जानता हूँ बहुत अच्छे से, तो ये सब चीज़ों के बारे में पहले से जानता हूँ, तो उसकी बात नहीं है, मैं बात कर रहा था सेलिंग की। तो गाइस जो सेकंड चीज़ है वो है सेलिंग। आप सेल करके बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ा बड़ा अमाउंट अर्न कर सकते हो, या आप कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, या आप कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, या आप अपना खुद का एक ई कॉमर्स स्टोर खोल सकते हो, इट्स वेरी वेरी इजी। थर्ड जो है वो है गूगल। आप गूगल से अर्निंग करने की कोशिश करो ऑनलाइन में, इट्स वेरी वेरी इजी। वो ये है कि एडमॉब है, एडसन है, ये दो चीज़ हैं गूगल के जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। एडमॉब बहुत बड़ा खेल हो गया है, मतलब लोग उसको चिल्लर बना दिए हैं, ठीक है, चिल्लर इन आवर कंट्री, ठीक है, इंडिया में क्या होता है जब कोई चीज़ आती है, ठीक है, जब कोई भी चीज़ नहीं आती है तो बहुत चलती है, बहुत चलती। जैसे आप जियो देख लो, फ्री आ गया, ठीक है, फ्री बहुत चला, बहुत चला, क्योंकि उसमें मज़ा आ रहा था, ठीक है, मज़ा आ रहा था, मतलब हम उसका यूज़ कर पा रहे थे, हम उससे कुछ फ़ायदे ले पा रहे थे, तो हमें उससे मज़ा आ रहा था, ठीक है। तो अब दूसरे हैंड में हम देखते हैं एडमॉब। एडमॉब का भी हम मज़ा ले पा रहे थे, ठीक है, हम कोई से भी ऐप बना दे रहे थे, शायरी वाले ऐप बना दे रहे हैं, उसमें अपन ऐड लगा दे रहे हैं, ठीक है, और उसे अर्निंग कर रहे हैं, तो ये एक मज़ा बन गया, ठीक है। आई थिंक मैंने जो सबसे पहली बार किसी यूट्यूबर को ये प्रमोट करते देखा था, मुझे बहुत सालों से पता था लेकिन मेरे पास कोई चैनल नहीं था, ये अभी हाल ही में मैंने चैनल बनाया है, जिसको आपने शायद सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फ्रेंड, वरना जनता माफ़ नहीं करेगी, सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, वोटिंग इज कमिंग। सो गाइज हाँ, तो क्या था एडमॉक, एडमॉक का जो सबसे पहले मैंने देखा था, वो देखा था मैंने स्मार्ट इनकम पे, कौन सा चैनल है यार, धर्मेंद्र सर का चैनल है, आप मेरे को थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है माइंड, याद नहीं आ रहा है, स्मार्ट वर्क पे मैंने देखा था, तो पहली बार उन्होंने ये चीज़ बताई थी, और फिर उसके बाद मैंने देखा बहुत सारे चैनल ने बताया, फिर उसके बाद बच्चों ने उसे चना मुर्रा बना दिया। बच्चों में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो एडमॉब का गेम है ना, ये ज़्यादातर 17 और 16 साल के नीचे जो लड़के हैं वो ज़्यादा करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें मज़ा आता है, क्योंकि बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही ज़्यादा आपको एडवांटेज मिल जाता है, तो आप ये कर सकते हो। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा था क्योंकि आप इसको नेक्स्ट लेवल पे करने की कोशिश करो गाइज। अगर आप एडमॉब से अर्निंग करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा पैसा लगाओ, 10-15 हज़ार रुपये कम से कम लगाओ, ठीक है, और किसी से ऐप बनवाओ, वो नेक्स्ट लेवल का ऐप बनवाओ, थोड़ा कुछ अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओ, ठीक है, कुछ प्लानिंग करो कि आप कैसा ऐप बनाना चाहते हो। यू बस यू उठ के कुछ क्वेट्स का, कुछ मोटिवेशनल थॉट्स का एड्स मत, ऐप मत बनाओ, इट्स वेरी वेस्ट, ओके, मतलब यूजफुल नहीं है यार, मैं ये बोलना चाहता हूँ, यूजफुल नहीं है, नॉट अ गुड, समझ रहे हो, मैं ये बोलना चाहता हूँ ये यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, ये बिल्कुल अनकट वीडियो है, ये मैं कुछ भी यहाँ कट करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल अनकट चलेगा, जो चल रहा है वही चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये आप अगर नेक्स्ट लेवल पे करोगे तो आप इससे सदाबहार लाइफ टाइम अर्निंग करोगे। अगर आपका जो एडमॉब अकाउंट है और आपका जो गूगल प्ले का अकाउंट है वो अगर सस्पेंड नहीं होता है तो आप लाइफ टाइम से अर्निंग करने वाले हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब गूगल एडसन की बात कर लेते हैं, गूगल एडसन का यूज़ कैसे आप कर सकते हो। गूगल एडसन का यूज़ आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ कि आप अपने यूट्यूब को मोनेटाइज कर सकते हो। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप वीडियो देख रहे हो, ऐड आ रही है तो वहाँ से मैं पैसे जनरेट कर रहा हूँ, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने ब्लॉग्स, वेबसाइट, अपने फेसबुक पेज में भी लगा सकते हो इनके एड्स और अर्निंग कर सकते हो। गाइस बहुत सारे लोग अभी शॉक्ड हो गए हैं कि मैंने फेसबुक पेज की बात करी। यस गाइस, आप इसके एड्स को यूज कर सकते हो अपने फेसबुक पेज में। अगर आपका एंगेजमेंट बहुत अच्छा है तो आप वहां से भी अर्निंग कर सकते हो, लेकिन जो सही तरीका है वो ये तरीका है कि आप अपने ब्लॉग और वेबसाइट में यूज करके काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। और गाइस आप अपने यूट्यूब चैनल पे भी इसका एड लगा सकते हो। आजकल थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, बट नथिंग इज पॉसिबल, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो आप चाहो तो अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो और वहां से भी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। लेकिन गाइज ऑलवेज गिव अ वैल्यूएबल कंटेंट एज आई एम गिविंग टू यू, ओके। सो ये एक चीज हो गई। अब गाइज एक चीज ये हो गई और तीन चीज टोटल हो गया। तो तीन चीज टोटल हो गई और यही जो तीन चीजें हैं वही बेस है ऑनलाइन अर्निंग का।
जब हम शुरू शुरू में आते हैं तो हम जाते हैं बहुत सारे साइट्स के साथ तरफ, तो ऐसी कुछ साइट्स के नाम भी अगर मैं बताऊं तो शायद आप गुस्सा ना हो, ठीक है, बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ ऐसे कुछ साइट्स हैं जिनसे आप अर्निंग कर सकते हो, जैसे फ्यूचर नेट हो गया, जैसे टॉक फीवर डॉट इन हो गया, ठीक है, टॉक फीवर डॉट इन में मैं खुद काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया, और क्या हो गया, और गाइस और तो मुझे नज़र नहीं आ रहा यार, ठीक है, और RCML हो गया, वेस्टीज हो गया, ये MLM कंपनीज हो गया एक्सेट्रा, तो ये सब कंपनीज में आप जा सकते हो, ठीक है। अब डेली 500, 2000, 1500 ऐसी कंपनीज डेली आती हैं, डेली बंद होती हैं, ये ओनली आपका टाइम वेस्ट करती हैं, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं देती हैं, ओनली यू विल वेस्ट योर टाइम एज यू नो, ठीक है, तो ये सब टाइम वेस्ट है, तो आप इनके पीछे मत पड़ो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसमें अपना टाइम दिया है और काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब किया। और गाइस एक चीज़ याद रखो जो एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये टिप है कि अगर आप कुछ भी एक नीच चुनो और उसके पीछे काम करो, ठीक है, अभी क्रिप्टो भी आ गया है, बिटकॉइन और बहुत सारी करेंसीज है जिनका आप ट्रेड कर सकते हो, इवन मैं ट्रेड करता हूँ, करता था, मतलब इस समय मार्केट का कंडीशन कुछ सही नहीं है तो मैं ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बिटकॉइन में जाओ, क्योंकि गाइस बिटकॉइन इज अ गेम ऑफ इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन्वेस्टर्स का गेम है और इन्वेस्टिंग करके आप इसमें खेल सकते हो, मतलब इन्वेस्ट करके आप इसमें खेल सकते हो, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बिटकॉइन में जाओ, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप बिटकॉइन में जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और अगर आपका ये इनिशियल टाइम है स्टार्ट करने का और आप अभी स्टार्ट करने वाले हो तो डोंट गो विद बिटकॉइन। बिटकॉइन कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अगर आप आज 1 लाख के बिटकॉइन लेते हो तो कल वो पानी पानी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पैसे हैं जो मेरे क्रिप्टो में फंसे हुए हैं, तो फंसे रह जाते हैं यार पैसे, और बहुत सारे ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में गुजरते हैं, लेकिन गाइस अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं इंडिया के तो नहीं है लेकिन अपने ज़रूर आएंगे अगर हम ऑनलाइन में कंस्टेंट काम करते रहेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार ये जो वन टू वन वीडियो होता है फेस टू फेस, मज़ा आ रहा है बनाने में, ऐसे वीडियो और बनाने की कोशिश करूँगा मैं, इवन हम लाइव करते हैं यार अपने फेसबुक पेज पे, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो मुझे फेसबुक पेज में तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज। आज मैं अपना जो लिंक है सोशल लिंक, जो पर्सनल लिंक है, वो मैं आपको आज देने वाला हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, और गाइस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, नीचे दिए हुए हैं, लिंक भी पड़ी हुई है और ये शायद आपको शो भी कर रहा है यहाँ पर, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ये यूजर नेम से आप उन्हें जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, सजेशन हो दूसरों के लिए तो आप या मेरे लिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, इस वीडियो को एक लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है, अभी इतनी मेहनत किया हूँ यार, 2 बजे रात को वीडियो बना रहा हूँ, एडिट करूँगा फिर डालूंगा, तो प्लीज़ यार शेयर तो कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगा एडमॉब से कैसे और जितने भी तरीके मैंने बताए सबसे कैसे अर्निंग की जा सकती है, ठीक है। एक चीज़ को फॉलो करना, एक चीज़ के पीछे घुस जाना, पहले उसको बिल्ड कर लेना थोड़ा सा, इतना इतना, ठीक है, मतलब इतना इतना बिल्ड कर लेना उसको, फिर दूसरे को लेके आना इतना इतना, फिर साथ में चलेंगे ऊपर ऊपर, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गिव थम्स अप एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।